अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड के साथ अप डाउन कटिंग लाई हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी कटिंग पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इजी कटिंग होती है, अप डाउन की बहुत ही ज़्यादा आसान कटिंग होती है। आप ज़रूर ट्राई करें कि आप अप डाउन की कटिंग कैसे कर सकती हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड के साथ है, आप ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। ये देखें व्यूअर्स, अप डाउन कटिंग दो तरीके की होती है, जो हमें करनी आती भी है और किसी को नहीं आती। बिल्कुल सही कटिंग नहीं करनी आती तो आप कैसे कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने कॉटन फैब्रिक की है, स्टार्स हैं इस पे, स्टार्स कपड़ा लिया। आप कोई भी स्टार कपड़ा ले सकते हैं, अगर कॉटन फैब्रिक का करना है आपने, जॉर्जेट का करना है, आप किसी भी फैब्रिक का कर सकती हैं। तो आपको नहीं कटिंग आती, वो अप डाउन शर्ट्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहती हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने इसके टू लेयर्स करने हैं। अब मैं आपको दो तरीके की कटिंग बताऊंगी कि आप कैसे कर सकती हैं। हमने इसमें से टू लेयर्स करे हैं। देखें व्यूअर्स, मैं आपको पहले फर्स्ट की कटिंग दिखाऊंगी कि आप फर्स्ट की कटिंग कैसे कर सकती हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने बिल्कुल चिकोर कर लिया है। इस तरीके से हम फोर लेयर्स कर लेंगे। पहले मैं आपको गुलाई वाली कटिंग सिखा रही हूँ कि आप कैसे गुलाई वाली शेप में कर सकते हैं कटिंग। देखें व्यूअर्स, इसमें हमने फोर लेयर्स किए हैं। उसके बाद हमने इसको फोर लेयर्स को और कर लिया, ये बिल्कुल त्रिकोण हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा इजी कैसे रहती है। ये देखें व्यूअर्स, ये इस तरीके से कर लिया हमने। ये हमने एक पेंसिल लिए, ये देखें व्यूअर्स, ये हमने लिया है। अब हम इसको कैसे कटिंग करते हैं, बिल्कुल हमने 1 इंचेस का ऊपर से करना है, 1 इंचेस। देखें बस, ये बिल्कुल हमने इधर से इतना हमने रखना है कि हम अपना जो हमारे शोल्डर्स वगैरह जो होते हैं हम उनके हिसाब से कैसे रखना है। देखें बस, कि हमने 1 इंचेस का रखना है। इस तरीके से हमने पसे निशान लगाए हैं, इसको हमने एक और लेयर्स कर लिया है। इस तरीके से यह हमने निशान लगा लिया है। ये देखें बस, ये हमने निशान लगा लिए हैं। यह है 7 इंच, आप देख सकती हैं। ये देखें बस, ये हमने 7 इंचेस का लगाना है। ये इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे व्यूअर्स। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने निशान लगा लिए। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। ये बिल्कुल हम गुलाई के शेप में कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल ये देखें, हम इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल इस तरीके से हमने गुलाई कर लिए। ये देखें, देखें व्यूअर्स, बिल्कुल गोलाई की शेप में हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से भी कट कर लेंगे ताकि
आपको आसानी से समझ आ सके। बिल्कुल, ये अम्ब्रेला कट की तरह है। ये देखें वर्स, ये बिल्कुल अम्ब्रेला कट की तरह तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे ताकि आपको समझ आ सके। देखें वर्स, ये इस तरीके से हमने कर लिया है फोर्ट। इसके बाद हम इसको यूं कर देंगे। इसके बाद हम इसकी ऊपर से कट कर देंगे ताकि हमारी शेप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन आए। देखें बस इस तरीके से हमारी जो है तैयार हो गई। अगर आप मेरा ये मैंने थोड़ा सा बड़ा काटा है, जितना आप चाहें आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकती हैं ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियत रहे। ये देखें बस, हमने इस तरीके से हमारी अप डाउन गुलाई मशीन तैयार हो गई है। आप जितनी चाहें आप अपनी कर सकते हैं, आप जितनी ही कम करें आप कम कर सकते हैं, जितना आपका दिल करे आप उतनी शेप इसके अप डाउन की रख सकते हैं। आप जब पहनेंगी तो आपकी जब आप इसे पहनेंगी तो हमारी शेप कुछ इस तरीके की आ जाएगी। इसकी शेप बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। अब मैं आपको तिकोन में अप डाउन की कटिंग सिखा रही हूँ कि अप डाउन की कटिंग तिकोन में कैसे कर सकते हैं। देखें व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसी तरीके से हमारी जो हम फुल ड्रेसेस की अप डाउन की कटिंग करते हैं वो सेम इसी तरीके से ही करते हैं। अगर आप इसमें योक लगाना चाहें तो आप इसकी योक भी लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे भी फुल ड्रेसिंग में कर सकती हैं। आप इसको काफ्तान की तरह भी पहन सकती हैं। आप अप डाउन में कुछ जैसा आपका दिल करे आप वैसा कर सकती हैं। अब मैं आपको जो है तिकोन में बिल्कुल कटिंग करने कैसे सिखाते हैं, अब मैं आपको वैसा सिखा रही हूँ कि ये हमारी गुलाई की शेप में थी, अब मैं आपको तिकोन में कट करके दिखाती हूँ। देखें बस, ये सेकंड क्या है, ये दूसरे वाला इसका हिस्सा है कि हम तिकोन में कैसे कटिंग करते हैं। देखें बस, ये हम भी हमने फोर लेयर्स लिए हैं इसके, फोर लेयर्स लेकर इसको हमने बिल्कुल इसी तरीके की गुलाई कर लेनी है। फोर लेयर्स लेकर इसका हमने निशान लगाना है बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल 9 इंचेस का हमने निशान लगाना है इसको। देखें बस, ये हमने निशान लगा लिए हैं। इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला करा है, इसको भी सेम हम वैसे ही कट करेंगे। देखें बस, नीचे से हमने अम्ब्रेला कट कर लिया है, ये देखें। अब हमने इसको टू लेयर्स में करके इसको हमने इसी तरीके से कर लेना है। इस तरीके से कर लेना है हमने बिल्कुल इसको। देखें बस, ये हमने यहाँ पे करना है, उसके बाद हमने इसको निशान लगा देना है। हमने निशान कितना लगाना है, ये हमने 9 इंच का रखा था, अब हम इसको एट इंच का रख देंगे।
हमने सिर्फ फर्स्ट वाले की करनी है, यानी फ्रंट वाले की कटिंग करनी है। देखने वाले ये हमने निशान लगा लिया है। ये देखें बस, बिल्कुल ये त्रिकोण हो चुका है हमारा। ये त्रिकोण वाले की कटिंग ऐसी होती है, ऊपर से हमने बिल्कुल इसको देखें बस, ये हमारी इस तरीके से कोने की तैयार हो गई है। जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके की कुछ शेप आएगी इसकी। यहाँ से बिल्कुल गोल होना चाहिए इसका। ये देखें बस, ये मेरी दोनों जो है तैयार हो गई है। ये मेरी गोलाई वाली है, देखें बस ये हमारी ये कोने वाली हो गई है, ये मेरी गोलाई वाली शेप हो गई है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है। मुझे दुआ में याद रखिएगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है। और अगर आपको कोई भी इसकी कैसी भी कटिंग चाहिए हो तो हम आपको हर चीज़ की कटिंग स्टेजिंग सिखाएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ कटिंग कटिंग बताई कि आपको मेरी वीडियो कैसी कटिंग लगती है। मुझे दुआ में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा, हम आपकी वजह से ही आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।